हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फैंटसी इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डन वांट ऑफ फैक्टर एम नॉर्मल मॉलिकुलर मासज एट्सट्रा इन दिस लेक्चर वी आर डूइंग गोइंग टू डिस्कस रिलेटेड टू वांट ऑफ फैक्टर्स एंड एम नॉर्मल मॉलिकुलर मासिस स्टेटमेंट आपको मैंने यहाँ पर लिखी हुई है होप सो जो है आपको क्लियरली दिख रही होगी नुमैरिकल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब भी नुमरिकल के स्टेटमेंट को रीड करते हैं रीड करते हुए जो भी कुछ गिवेन है वो आप साथ के साथ वहाँ पे लिखते जाएं। और केस आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ पे क्या कुछ गिवन है तो आप उसकी यूनिट देखें आपको यूनिट देख के पता चल जाएगा कि क्या चीज़ वहाँ पे गिवन है तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है टू पॉइंट जीरो ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिज़ोल्व इन ट्वेंटी फ़ाइव ग्राम ऑफ बेंजीन यहाँ पे बोला गया टू पॉइंट टू पॉइंट जीरो ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड को हमने डिज़ोल्व किया है किस में ट्वेंटी फाइव ग्राम ऑफ बेंजीन में इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो बेंजोइक एसिड है वो आपका सोल्यूट है और जो बेंजीन है वो आपका क्या है सॉलवेंट है तो यहाँ सबसे पहले आप क्या लिखोगे मास ऑफ सोल्यूट और आपका जो सोल्यूट है वो आपका क्या है बेंजोइक एसिड उसका मास आपको कितना दिया हुआ है टू ग्राम हम जो है जो भी इन मैरिकल्स जो पीछे डेरिवेशंस करते आए हैं अब नॉर्मल मोलिकुलर मासेस किया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को वहाँ हमने जो सोल्यूट का मास है उसको हमने डब्ल्यू ट्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है आप कुछ भी ले सकते हो टू ले सकते हो बी ले सकते हो ए ले सकते हो वट एवर यू वॉन्ट ओके हेयर आई एम टेकिंग डब्ल्यू ट्यू ओके उसके बाद क्या है कि मास ऑफ सॉल्वेंट आपका सॉल्वेंट क्या है बेंजोइक बेंजीन है तो यहाँ पे हमने क्या किया सॉल्वेंट जो है हमारा बेंजीन था उसका मास मुझे कितना दिया हुआ है ट्वेंटी फाइव ग्राम ओके शोज आ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो क्या करता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन शो करता है इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स टू केलविन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का मतलब डेल्टा टी एफ कितना शो कर रहा है वन पॉइंट सिक्स टू कैलविन मोलर डिप्रेशन कॉन्सटेंट के एफ फॉर बैनजीन इज फोर पॉइंट नाइन कैलविन के जी पर मोल मोलर डिप्रेशन कॉन्सटेंट यानी कि आपको के एफ की वैल्यू गिविन है कितनी है फोर पॉइंट नाइन कैलविन के जी पर मोल वट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन एसोसिएशन को या डिसोसिएशन को आप अल्फा परसेंटेज आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है एंड इट फॉर्म डाइमर इन द सल्यूशन और वहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपका चीज है वो डाइमर बना रहा है डाइमर का मतलब क्या है कि टू मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं और टू मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल यहाँ पे बना रहे हैं डाई का मतलब टू मेरोज का मतलब क्या होता है पार्ट्स तो इट मीन्स क्या है जो एन की वैल्यू है मान लो सपोज करो एन वन था या टू था तो वो उसका जितना भी है वो क्या हो जाएगा उसका हाफ़ हो जाएगा क्योंकि वो एग्जैक्टली अगर डाइमर बनाएंगे तो वो कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा आपको निकालनी है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन अब एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुई है ये करने के लिए हमें वन फैक्टर आई की वैल्यू चाहिए तो जब मैंने आपको वॉन्टो फैक्टर करवाया था बेटा उसके साथ में मैंने बताया था कि जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं वो वॉन्टो फैक्टर के साथ क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इन टू एम वट इज़ एम मोलैलिटी के एफ़ मोलर डिप्रेशन कॉन्सटेंट सॉरी हाँ मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कॉन्सटेंट डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको गिविन है मोलैलिटी के लिए मोलालिटी uh, का जो फार्मूला होता है मोलालिटी का फार्मूला क्या होता है गिविन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय द थाउजेंड और यहाँ पे आपका क्या आता है मास ऑफ सॉल्वेंट आता है ये ग्राम के अंदर होता है अब हमें मास uh, पता है सोल्यूट का टू ग्राम है बट हमें मोलिकुलर मास नहीं पता तो मैं क्या करूँगी बेंजोइक एसिड का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करूँगी आप सभी को बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला तो याद ही होगा ये चीज़ है इसमें कितने कार्बन हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और एक ये वाला कार्बन सिक्स सॉरी सेवन कितने कार्बन हो गए सेवन इंटू ट्वेल्व प्लस हाइड्रोजन चेक करते हैं बेटा एक दो तीन चार पाँच और एक ये तो सिक्स इंटू वन प्लस ऑक्सीजन कितने हैं टू सिक्सटीन इंटू टू तो ये सब सारा सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी टू ग्राम कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी टू ग्राम आपका आ जाएगा ये जो मोलैलिटी का फॉर्मूला है एज इट इज़ हम जो है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को थोड़ा सा यहाँ पे लिखूँगी तो डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू आई इं टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू अपोर एम टू मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड और यहाँ पे डब्ल्यू एन मास ऑफ सोलवेंट तो ये आपको जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इं टू के एफ़ की वैल्यू आपको कितनी दी हुई बेटा के एफ़ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है फोर पॉइंट नाइन इन टू डब्ल्यू टू टू है इन थाउजेंड अपॉन एम टू आपने निकाला था वन ट्वेंटी टू और यहाँ पे जो डब्ल्यू वन है वो आपको कितना दिया हुआ है ट्वेंटी फाइव ग्राम आपको जो है वो गिवन है इक्वेशन को जब रीअरेंज करोगे हमें आई की वैल्यू निकालनी है तो आई की वैल्यू निकालने के लिए ये जो चीज़ें हैं ये सारी ऊपर चली जाएंगी तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ है डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है वन पॉइंट सिक्स टू मल्टीप्लाइड बाई वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई कितना करोगे फोर पॉइंट नाइन इंटू टू इंटू थाउजेंड इज इक्वल टू आई फोर्टी सिक्सटी वन ट्वेंटी एट वन सो वी हैव हेयर आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट एट वन इंटू सिक्सटी वन अपॉन फोर पॉइंट नाइन इंटू ट्वेंटी जब मैं इस सभी चीज़ों को सॉल्व कर रही हूँ सभी चीज़ों को सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो I की वैल्यू आ रही है वो मेरे पास I की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा ज़ीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो फोर ओके ये मेरे पास क्या आ गया I की वैल्यू आ गई अब मेरे पास एक फॉर्मूला है फॉर्मूला आई इज़ इक्ल टू वन प्लस एन माइनस वन अल्फ़ा वैसे ये फार्मूला जो है आप डेराइव भी कर सकते हो और ये आपने जो है इस तरह का जो फॉर्मूला है ये आपने जो एक्विरियम चैप्टर किया हुआ है प्लस वन में वहाँ पे ये आपको थोड़ा सा मिलेगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन कहाँ है सो so, आई की वैल्यू आपको कितनी आई ज़ीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो फोर ओके उसके बाद इक्वल टू वन प्लस एन की वैल्यू क्या है क्योंकि मॉलिक्यूल डाइमर बना रहा है मतलब जितना है उसका हाफ हो जा रहा है तो एन की वैल्यू वन पॉइंट बाई टू माइनस वन अल्फ़ा इस चीज़ को अगर आप ओपन करोगे ज़ीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो फोर इक्वल टू वन प्लस अल्फा बाई टू माइनस अल्फा अल्फ़ा से अल्फा बाई टू अगर आप यहाँ से माइनस करते हो तो वन माइनस अल्फ़ा बाई टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो फोर यहाँ पे आपका आ जाएगा आपको अल्फ़ा निकालना है ये यहाँ पे माइनस में इसको आप इधर ले जाओ और इस चीज़ को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस ज़ीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो फोर यहाँ पे आपका जो अल्फ़ा बाई टू है वो आपका कितना आ जाएगा वन uh, में से आप ज़ीरो पॉइंट फाइव जीरो फोर माइनस कर दोगे तो आपका जाएगा जीरो पॉइंट फोर नाइन सिक्स या गया या फिर अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालते हो तो टू इंटू ज़ीरो पॉइंट फोर नाइन सिक्स ओके और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे टू से तो ये हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट नाइन नाइन टू एंड जब आप इसकी परसेंटेज निकालना चाहोगे तो परसेंटेज निकालने के लिए ज़ीरो पॉइंट नाइन नाइन टू मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड एम दिस वन कम्स नाइन्टी नाइन पॉइंट टू परसेंट तो यहाँ पे जो आपकी परसेंटेज हो गई जो है डिशोशिएशन की जो आपकी परसेंटेज आ गई सॉरी एसोशिएशन की वो परसेंटेज आपकी कितनी आ गई नाइन्टी नाइन पॉइंट टू परसेंट यहाँ पर आपकी है जो परसेंटेज आ गई वो आपका आंसर आ गया तो हमने ये चीज़ यहाँ पे निकाल ली है होप्सो आपको ये समझ में आ गया होगा अब बढ़ते हैं हम अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ जो बिल्कुल इससे ऐसा सा ही है आपको थोड़ा सा उससे आइडिया लगेगा सेकेंड न्यूमेरिकल जीरो पॉइंट सिक्स एम एल ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग अ डेंसिटी ऑफ वन पॉइंट जीरो सिक्स ग्राम पर मोल इज डिज़ोल्व इन वन लीटर ऑफ वाटर यानी कि यहाँ पे एसिटिक एसिड है उसको एक लीटर वाटर में डिज़ोल्व किया है जिसकी डेंसिटी वन पॉइंट जीरो सिक्स ग्राम पर एम एल है यू you नो know, अगर आप किसी भी चीज़ को सेस्टिक एसिड है अगर उसको आप वाटर में डालते हो तो यहाँ पे हमेशा डिसोशिएशन होगा और वो डिसोशिएशन कैसा होगा कि जो आपका एसिटिक एसिड होगा वो यहाँ पे सी एस वी सी ओ ओ नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव में ब्रेक कर जाएगा यानी कि इस केस में जो एन की वैल्यू आपकी आने वाली है वो कितनी आने वाली है फाइनल टू आने वाली क्योंकि स्टार्टिंग में वन था और फाइनल क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पर आ जाएगी बिकॉज वो क्या होगा हमेशा वाटर के अंदर जो एसिटिक एसिड होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डिसोसिएशन जो है वो शो करता है तो लेट्स स्टार्ट यहां पे क्या दिया है जीरो पॉइंट सिक्स एम एल ऑफ एसिटिक एसिड तो यहां पे आपको क्या दिया है वॉल्यूम किसका वॉल्यूम दिया है वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड कितना गिवन है आपको एसिटिक एसिड का वॉल्यूम जीरो पॉइंट सिक्स एम एल आफ्टर डेट आपको डेंसिटी गिवन है डेंसिटी कितनी गिवन है आपको डेंसिटी आपको गिवन है वन पॉइंट ज़ीरो सिक्स ग्राम पर एम एल वन पॉइंट ज़ीरो सिक्स ग्राम पर एम एल बेटा आपको एसिटिक एसिड की वॉल्यूम uh, दिया है डेंसिटी दिया है हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं तो मास ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आपकी डेंसिटी कितनी है 1.06 पॉइंट वॉल्यूम कितना आ गया 0.6 इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कर तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आएगा 0.636 ग्राम दिस इज द मास ऑफ एसिटिक एसिड फिर स्टेटमेंट पढ़ते हैं डिजोल्व इन वन लीटर ऑफ वाटर तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वन लीटर और अगर इसको आप मास में कन्वर्ट करना चाहोगे मास ऑफ सॉल्वेंट तो वन लीटर जो होता है वाटर का वो वन थाउजेंड ग्राम के क्या होता है इक्वलेंट होता है तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया वन थाउजेंड ग्राम ओके फिर स्टेटमेंट देखते हैं क्या है द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वोज जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो फाइव डिग्री सेल्सियस डिप्रेशन का मतलब यहाँ पे कितना दिया हुआ है डेल्टा टी एफ डेल्टा टी एफ आपको कितना दिया है जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो फाइव डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट दॉन्ट ऑफ फैक्टर एंड द डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड आपको निकालना क्या है एक तो आई निकालना है एक के ए डिसोशिएशन कांस्टेंट निकालना डिसोशिएशन कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे आप के डील हो ओके एंड के एफ़ फॉर वाटर इज़ 1.86 पॉइंट एट सिक्स कैलविन के जी पर मोल तो यहाँ पे एक वैल्यू हमें और दी हुई है एंड वो वैल्यू किसकी दी हुई है के एफ की दी हुई है और कितनी दी हुई है हमें वन पॉइंट एट सिक्स कैलविन के जी पर मोल तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है आई निकालेंगे जब मेरा आई निकल जाएगा तो उस आई से मैं अल्फ़ा निकालूंगी और अल्फ़ा निकालने के बाद मैं उससे के ए डिसोशिएशन कॉन्स्टेंट निकालूंगी अब मेरे पास फॉर्मूला है जो डेल्टा टी एफ इज इक्वर टू आई इंटू के एफ इंटू एम डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो फाइव इज टू आई इन टू के एफ़ की वैल्यू वन पॉइंट एट सिक्स मोलैरिटी क्या होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड बाय द थाउजेंड और यहाँ पे जो मास आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट ओके पहले हम इस वाले पोर्शन पे सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो उसको लेके चलेंगे यहाँ पे जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव जीको टू आई इंटू वन पॉइंट एट सिक्स इंटू गिवेन मास आपको कितना दिया था वो हमने कैलकुलेट कर लिया था मेरे पास आ गया था जीरो पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स एसटिक एसिड का मोलिकुलर मास सिक्सटी होता है अपोन यहाँ पे थाउजेंड और यहाँ पे थाउजेंड एसटिक एसिड का मोलिकुलर मास अगर कन्फ्यूजन हो रही वहां है तो फार्मूला वहाँ पे गिवेन है फार्मूला एसटिक एसिड का कितना होता है सी एस पी सी ओ एस तो वो आप जब कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आएगा आपका सिक्सटी ही आएगा आप इसको देख सकते हो करके तो यहाँ से थाउजेंड से थाउजेंड यहाँ पे आपका हो गया ये पोर्शन बचा है ये सिक्सटी ऊपर चला जाएगा बाकी चीज़ें जो है नीचे आएंगी। तो आई इज इक्व टू ज़ीरो पॉइंट जीरो टू ज़ीरो फाइव मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी अपॉन वन पॉइंट एट सिक्स इंटू ज़ीरो पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स ये यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज़ आ गई वो मैंने पुट करा अब मैं जब इनको सॉल्व करती हूँ कि कैलकुलेटर का यूज़ मैंने यहाँ पर किया है बट आप यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करोगे तो जो आपकी वैल्यू आ रही है वो वन पॉइंट ज़ीरो थ्री नाइन सेवन आ जाएगी या इसको आप अप्रॉक्सीमेट वन पॉइंट ज़ीरो फोर भी जो है वो ले सकते हो ये किसकी वैल्यू आगी आई की अब उसी पुराने फॉर्मूले से आई इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपको आई इज इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन अल्फ़ा यहाँ पे एन की वैल्यू टू आएगी क्योंकि वो डिसोशिएट हो रहा है तो आई इज़ इक्वल टू वन प्लस टू माइनस वन अल्फा इसको ओपन करोगे आई इज इक्ल टू वन प्लस टू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा एंड हेयर आई इज इक्ल टू वन प्लस अल्फ़ा अब आपने अल्फ़ा यहाँ प्लस में है तो उसको उधर लेके जाओगे तो यानी कि आपका क्या आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्ल टू आई माइनस वन एंड आई की वैल्यू कितनी है बेटा वन पॉइंट जीरो फोर तो ये वन पॉइंट ज़ीरो फोर माइनस वन करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट जीरो फोर अल्फ़ा की वैल्यू कितना आ गई जीरो पॉइंट जीरो फोर यहाँ पे आ गई हमें क्या निकालना है के ए निकालना है तो ओस्ट डाइल्यूशन लॉ अगर आपको ध्यान होगा इक्विलिब्रियम में आपने किया हुआ है वहाँ पे आपका डिसोशन कांस्टेंट के ए निकालने का फॉर्मूला था ये मैं आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है यहाँ पे इक्विलिब्रियम में यूनिट नंबर सेवन प्लस वन में सी अल्फ़ा स्केयर अपॉन वन माइनस अल्फ़ा सी क्या थी कंसनट्रेशन थी कंसन्ट्रेशन जो उसकी मोलालिटी है मोलालिटी दी हुई है इसकी ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन ज़ीरो सिक्स अल्फ़ा का स्क्वायर है तो ज़ीरो पॉइंट जीरो फ़ोर इंटू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर वन माइनस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फ़ोर ओके बेसिकली क्या होता है बेटा कि अगर जो कंसनट्रेशन होती है वो फाइव परसेंट से क्या होती है लेस होती है तो हम जो है टोटल की कंपैरिजन में उस चीज़ को क्या कर देते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं यानी कि अगर ये ग्रेटर देन है 0.04 से तो ये टर्म क्या हो जाती है नेगलेक्टेड इसका मैं दो केस लूँगी एक में मैं नेगलेक्ट करके दिखाऊंगी और एक में नेगलेक्ट करके नहीं दिखाएंगे तो अगर मैं नेगलेक्ट करूंगी तो ज़ीरो पॉइंट वन ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई जीरो और इसको अगर नेगलेक्ट कर दिया तो नीचे क्या आएगा सिर्फ वन रह जाएगा ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी नेग्लेक्टेड यूजली आप इसको नेगलेक्ट कर देते हो तो ये आपका जाता है जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो 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 वन सिक्स नाइन सिक्स अभी पॉइंट को यहाँ लेके आएंगे जो आपका पॉइंट है वो राइट हैंड साइड मूव कर रहा है राइट हैंड साइड मूव करने पे जो पावर्स होती हैं वो किस में जाती हैं माइनस में जाती हैं और कितनी पॉइंट गया वन टू थ्री फोर फाइव तो ये हो जाएगा आपका वन पॉइंट सिक्स नाइन सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस फाइव ये आपका जो है ये चीज़ आ गया ये आपका आंसर आ गया लेकिन अगर हम सेकंड केस लेते हैं मतलब कि अगर मैं इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करती हूँ तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर नेगलेक्ट नहीं करूँगी तो सेम वही आएगा बस आपने नीचे उस चीज़ को जो है डिवाइडेशन में लेके चलना है जैसे यहाँ पे ऊपर का तो पोर्शन आपका यही आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 वन टू थ्री फोर वन सिक्स नाइन सिक्स अपोन में आप क्या करोगे वन में से यहाँ पे जो है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर जो है वो आप क्या करोगे माइनस करोगे तो कितना जाएगा यहाँ पे सिक्स एंड यहाँ पे नाइन ज़ीरो पॉइंट नाइन सिक्स जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा तो ज़ीरो पॉइंट नाइन सिक्स पुट करोगे और जब इसको यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो वही वन पॉइंट सिक्स नाइन सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस फाइव डिवाइड बाई ज़ीरो पॉइंट नाइन सिक्स और फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा वन पॉइंट सेवन सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस फाइव तो आप इस चीज़ को वैसे तो हम यूजली नेग्लेक्ट कर देते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि आप जो है आई या जेई का या नीट का कोई भी पेपर दे रहे हो वहाँ पर इसके रिलेटेड टू बहुत सारे आते हैं और आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो फिर भी आपका आंसर नहीं आ रहा है तो यू हैव डन विद विदाउट नेगलेक्शन ऑफ कंसनट्रेशन एज़ कम्पेयर टू टोटल ओके तो दिस इज ऑल अबाउट द नुमेरिकल रिलेटेड दॉन्ट ऑफ फैक्टर एंड एबनॉन मोलिकुलर मास इस तरीके से आता है आपका जितना भी नुमेरिकल होता है इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा जो है लेंथी होता है ये बट इट शुड बी वेरी 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 इजी तो आप इसको ध्यान से करेंगे वीडियोज़ को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने जो भी डाउट्स होंगे वो मेरे साथ क्लियर करेंगे थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स थैंक यू बाय बाय